जब आप साबरमती आश्रम में प्रवेश कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी हैं आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कपल ऑफ पैरोट, सबसे पहले आप देखिए साबरमती नदी है, साबरमती नदी, और ये हमारा हो गया साबरमती आश्रम, और आश्रम जो है ठीक साबरमती नदी के सामने है। चलिए चलते हम लोग अब साबरमती आश्रम के अंदर और देखते हैं कितना कमरा है, कौन कौन सा कमरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग साबरमती आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं ये गांधी, सबसे पहले हम लोग को मिलता है गांधी जी का कमरा। ये देखिए महात्मा गांधी जी का कमरा है, इसमें चरखा रखा हुआ है, और कोई भी अतिथि, फॉरेन अतिथि यहाँ पे आते हैं तो इसी कक्ष में उनको सबसे पहले दिखाया जाता है कि महात्मा गांधी यहीं पे इसी कक्ष में रहते थे। चलिए महात्मा गांधी जी का ये कमरा आप देख लिए। अब आपको दिखाते हैं, इसके बगल में आश्रम आचार संहिता लिखा हुआ है, ये गुजराती हिंदी इंग्लिश तीन भाषाओं में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले गुजराती में सत्याग्रह आश्रम स्थापना उद्देश्य अन्य नियमावली। सत्याग्रह आश्रम 1915 से 1933 तक स्थापना उद्देश्य व नियमावली, और सत्याग्रह आश्रम फाउंडेड ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेंस इन गांधी जी हैंड राइटिंग, ये आचार संहिता लिखा हुआ गेट पास। अब देखिए चलिए अब हम लोग आश्रम में अंदर की ओर चलते हैं, और सबसे पहले और एक चीज़ और दिखाते हैं। ये गांधी जी का आश्रम का कमरा, आश्रम का गांधी जी का कमरा हो गया, और ये प्रार्थना लिखा हुआ है आश्रम में। चलिए अब हम आश्रम में अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और जानते हैं हृदय कुंज, यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी श्रीमती कस्तूरबा निवास स्थान रहा है। इस तरह के शब्दों के साथ प्रवेश द्वार में हम लोग आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप आश्रम में प्रवेश कीजिएगा, एक सबसे पहले आपको आपका नज़र आश्रम के आंगन पर जाएगा, प्रांगण पर जाएगा, और बाएं तरफ दो कमरे हैं और दाएं तरफ दो कमरे हैं। एक कमरे में देख रहे हैं आप ताला लगा हुआ है, और दूसरा कमरा किचन है। चलिए सबसे पहले हम किचन से शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी के आश्रम में कमरा हम देख चुके हैं गांधी जी का, अब हम किचन चलते हैं, रसोई घर, रसोड़ू। तो किचन में चलिए देखते क्या क्या है किचन में। ऑब्वियस है किचन की सामग्रियां होगी। चलिए ये गांधी जी का किचन है, इसमें ताला लगा हुआ है, और ये स्टोर रूम, जिसमें ताला लगा हुआ है ये स्टोर रूम है। अब चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी सामग्री उनके किचन में प्रयोग की जाती थी। तो देखिए यहाँ पर ये नारियल छीलने की दराली चमक रहा है, हाँ नारियल छीलने की दराली, ये सब्जी के लिए चाकू, और ये दाल घुटनी ये हो गया, ये कागज़ काटने का चाकू, ये चम्मच लकड़ी का, और ये चम्मच जर्मन सिल्वर, और ये फोर्क काटा, इसको क्या बोलते हैं, काटा शायद बोलते हैं, और ये खड़ाऊ चमक रहा है थोड़ा खड़ाऊ, ये गांधी जी का चश्मा, और ये देखिए गांधी जी के तीन बंदर कितने सुंदर से बैठे हुए हैं। किचन में हालांकि सब रखा गया, थाली है, प्लेट लकड़ी का प्लेट लग रहा है, पत्थर की थाली है, इसमें लिखा हुआ भी है पत्थर की थाली, लकड़ी का प्लेट है ये, और क्या है इधर दिखाते हैं, ग्लास का साइज थोड़ा बड़ा है, ग्लास यरोड़ा जेल में उपयोग किया गया, ग्लास कटोरे सब्जी के लिए, चिनाई मिट्टी का कटोरा, और इस तरह की ये सामान है किचन में। देखें किचन रूम आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देते हैं।
ये किचन रूम हो गया, और ये किचन में एक बड़ा सा खिड़की भी है, ये स्टोर रूम। चलिए अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। और ये देखिए, किचन के बगल में जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम का दरवाज़ा एक इधर से भी है। आप स्टोर रूम किचन रूम में इधर से जा सकते हैं, और स्टोर रूम में इधर से भी जा सकते हैं यदि किचन लगा हुआ हो तो। ये आंगन हो गया आश्रम का, और चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा कमरा, दो कमरा दिख रहा है हमें, कौन सा ये दो कमरा है। ऊपर में कस्तूरबा गांधी का फोटो लगा हुआ है, हाथ में कुछ लगता है फूल लिए हुए हैं, और ये कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है। तो चलिए हम लोग कस्तूरबा गांधी जी के कमरे में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग जैसे ही कस्तूरबा गांधी जी के कमरे में प्रवेश करते हैं, तो ये कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती। कहा जाता है कस्तूरबा गांधी जी को गुजराती महात्मा गांधी जी ही सिखाए थे। ये कमरा हम आपको दिखा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी जी का कमरा। चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। उधर से हम लोग मुख्य द्वार से प्रवेश किए थे, ये आंगन हो गया, बाएं साइड में हम लोग कस्तूरबा गांधी जी के कमरे में हैं, उधर सामने किचन, और ये बगल में दूसरा कमरा मेहमानों के लिए, गेस्ट रूम। हम लोग अब गेस्ट रूम में प्रवेश करते हैं और देखते हैं। गेस्ट रूम भी काफ़ी बड़ा है, या इसे काफ़ी बड़ा नहीं कह सकते, ये 12x12 का साइज है। इस कमरे का साइज 12x12, ऊपर में फूस, ये ऊपर में खपड़ैल फूस है, और ये ठीक है। अब हम गेस्ट रूम से बाहर निकलते हैं। गेस्ट रूम के सामने कुछ मोहन टू महात्मा कैसे बने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, कब 1869 से लेकर 1869 टू ले से लेकर, एक तरफ एज एक तरफ ईयर, इस साइड ईयर इस साइड एज, 7 वर्ष की अवस्था से लेके 79 वर्ष की अवस्था तक कब क्या घटना घटा और कौन सा ये काम किए अपनी ज़िंदगी में, सब वर्णन है इस बोर्ड में मेहमान कक्ष के सामने। दोस्तों अभी हम आश्रम में, गांधी जी के आश्रम आंगन में खड़े हैं, और अभी आप देख रहे थे महात्मा गांधी जी का कमरा, कस्तूरबा गांधी जी का कमरा, गेस्ट रूम, किचन, आप तमाम कमरा देख चुके हैं। अब हम आश्रम के दूसरे भाग में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए अब देखिए, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, एक कुटीर के दो नाम। गांधी जी के विचारों के प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए थे। इस दौरान वे कुछ महीने इस कुटीर में रहे थे। चलिए आपका हम विनोबा भावे जिस कुटीर में रहे थे उस कुटीर को दिखाते हैं। अब हम लोग विनोबा भावे के कुटीर में प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं विनोबा भावे का जो कुटीर है महात्मा गांधी के आश्रम के ठीक सामने के बगल में है। तो विनोबा भावे के कुटीर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और ये पहला कमरा में प्रवेश करते साथ हम देख रहे हैं कि कमरा तो एक ही है, कमरा एक ही है, दरवाज़ा दो है, मतलब इधर एक कमरा में दो दरवाज़ा, कुटी एक, विनोबा ऊपर खपड़ैल। विनोबा भावे कुटीर में कुल 3 दरवाजे हैं, एक रूम में 3 दरवाजा, एक दरवाज़ा इधर है जो साबरमती नदी के तरफ खुलता है, और 2 दरवाज़ा इस कुटीर का, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये है। तो अभी आप देख रहे थे विनोबा भावे का कुटी, जिस कुटी में रहे थे विनोबा भावे।